इस वीडियो के बाद आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो 10 में से 9 बार काम करेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर, और नोटिस कीजिएगा कि रियल लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। ये ट्रिक्स हमारे दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिव करती है जो कि डिसीजन लेता है। इतनी जल्दी ढेर सारी डिसीजन लेने वाली इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमारे दिमाग ने डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बना लिए हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। लोगों का दिमाग उस साइड ज़्यादा जाता है जिधर कोई रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिलने से बच जाए। तो अगर अगली बार किसी से कोई काम निकलवाना हो तो उन्हें जिनसे काम निकलवाना हो अच्छे से पहले बता देना कि इस काम को करने से उनको क्या फ़ायदा होगा या उनसे आप क्या रिवॉर्ड देंगे काम करने के बाद। ऐसा करने से वे आपका काम जरूर कर देंगे। आपके दिमाग का नेचर है कि वो जिस इंसान को पसंद करता है उनकी गलतियों को इग्नोर कर देता है और उनकी अच्छाइयों को बढ़ा करके लाज करके देखता है। आप जिन्हें ज़्यादा लाइक करते हैं उनके आप ज़्यादा फेवर भी करेंगे। कुछ पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि वो अपने बच्चे को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनकी गलतियों को वो इग्नोर कर देते हैं जो उनको बाद में भारी पड़ता है। आप ऐसे खुद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जिनसे चाहते हैं कि वह आपको पसंद करे, आप उनकी पसंद और नापसंद पर ध्यान दें और उन्हें जो पसंद हो वैसी चीज़ें आप करें उनके सामने, तो वो आपको ज़रूर पसंद करेंगे। डिसलाइकिंग। आप जिन्हें नापसंद करते हैं उनकी अच्छाइयों को भी आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके ग्रुप में कोई ऐसे दोस्त भी होंगे जिन्हें आप नापसंद करते हों और आपका एक बहुत बड़ा काम आपका वो दोस्त कर सकता है जिन्हें आप नापसंद करते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देते वो काम, नहीं आप उनका हेल्प लेते हैं बस इसलिए क्योंकि आप उन्हें डिसलाइक करते हैं। स्कार्सिटी। हज़ारों वर्षों पहले जब जिंदा रहना आसान नहीं था तब इंसानों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें बड़ी मुश्किल से और बहुत कम मिलती थी। उसको लेने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करते तो उनका जो सामान है, जो उनको चीज़ें, जो उनको ज़रूरत है, वो कोई दूसरा इंसान ले लेता। तभी से हमारे दिमाग ने सीख लिया कि जो चीज़ें स्कार्स होती है यानी कि कम होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए आज भी हमारे जो अट्रैक्शन है वो स्कार्स चीज़ें की तरफ ज़्यादा है। हमारा अट्रैक्शन उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है जो कि कम होती है, यानी कि जिनकी अवेबिलिटी बहुत कम होती है। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है यानी कि जिनकी अवेबिलिटी ज़्यादा होती है आप उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। आपके घर में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कभी कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हमें पसंद आ जाती है और बहुत, लेकिन वो बहुत कम होती है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में कोई चीज़ आई हो जो कि बहुत कम हो, आपके घर के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद किए हों और वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया होगा, लेकिन जब वही चीज़ कभी दूसरे समय पे बहुत ज़्यादा आई हो और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हो, लेकिन फिर भी वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनीज इसका यूज़ बड़े अच्छे से करती है, वे सारे ही प्रोडक्ट की लिमिटेड एडिशन बनाती है जो कि ज़्यादा बना सकती है लेकिन वो बहुत कम बनाती है, लिमिटेड बनाती है। हमारे ब्रेन को ट्रिगर करती है ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कम होती है एक्शन लेने के लिए और ख़रीदने के लिए। जब वो कम होती है तो हमें लगता है कि वो हमारे हाथ से ऑफर चला जाएगा, इसी के लिए हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं। और आप इसको अपने लिए ऐसे यूज कर सकते हैं कि जब आपको किसी को दिखाना हो कि आप कितना इम्पोर्टेंट हैं तो आप उनके लिए हर वक्त अवेलेबल ना हो। सिमिलैरिटी। हमें वो इंसान ज़्यादा पसंद आते हैं जिनमें हम कुछ सिमिलर देखते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, मुझसे एक लड़की ने कहा कि हमारे हेयर बैंड्स एक जैसे लग रहे हैं। फिर हमारी बातें शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद यानी कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई। आप भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। जब आपको किसी के साथ दोस्ती करना हो, अच्छे से बात करना हो, तो आप जिनके साथ बात करना चाहते हैं नए लोगों के साथ या जिससे भी, तो आप उनमें और अपने में कुछ सिमिलर निकालना, कुछ सिमिलैरिटी उनको बताना, तो आपकी दोस्ती या बात बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी। सिमिलरिटी किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे कि आपके इंटरेस्ट में, आपके ओपिनियंस में, आपके हॉबीज़ में, आपके पर्सनालिटी में, आपके थिंग में और आपके बैकग्राउंड में भी। एम हाई। आपको अगर कभी मन ना करे कोई काम करने का और मन करे कि किसी और से वो काम करवा ले, तो आप इस ट्रिक को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक को मैंने भी यूज़ किया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है।
इसमें आपको बस सामने वाले इंसान को जिससे आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं उन्हें कोई एक ऐसा काम बोले जो कि वो साफ साफ मना कर दे। फिर आपको वो काम बोलना होगा जो कि आप उनसे करवाना चाहते हैं, और वो काम पहले वाले काम से छोटा होना चाहिए। ऐसा करने से वो आपके काम को जरूर कर देंगे। जैसे आपको नोट्स के कुछ पेजेस आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि वो आपका सारा नोट्स कंप्लीट कर दे। लेकिन जब वो इस काम को सुनकर के मना कर दे तो आप फिर बाद में आप बोलिए जो कि छोटा होना चाहिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि 2-3 तो कर दो, तो वो आपका काम जरूर कर देगा। ये ट्रिक हमारे इमोशनल क्वेश्चन पे काम करता है। पहले कोई बड़ा काम बोलने के बाद जब वो मना कर दे तो छोटा काम बोलने से हमारा काम आखिरकार क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप बड़ा काम देते हैं उसके जस्ट बाद आप कोई छोटा काम देते हैं और वो जो बड़ा काम को मना कर देते हैं तो हमारे जो इमोशनल क्वेश्चन है तो हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन है हमें बुरा बनाने से बचाने के लिए सबकॉन्शियसली हमें हाँ बुला देता है। यहाँ पर कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का खेल है। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को यूज़ करके आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, आपने बीमा कंपनी के एजेंट को देखा होगा, वो आ करके आपसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, फिर अपने कंपनी के प्लान को समझाते हैं और आप मना भी कर देते हैं तब भी वो कुछ महीने के बाद आपको अप्रोच करते हैं और आपसे उतने ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन वो इतने बार आते रहते हैं कि आप भी एक बार सोच लेते हैं कि इतने बार आ रहे हैं तो एक बार ले लेना चाहिए, और आप ले भी लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको जो भी चीज़ चाहिए पहले आपको ठान लीजिए कि आपको वो चीज़ चाहिए, फिर आप उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, फिर वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट, आप लोगों की तारीफ़ करें। कॉम्प्लीमेंट सुनना सभी को अच्छा लगता है लेकिन तारीफ़ बहुत कम ही लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। हमें वे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि हमारी तारीफ़ करते हैं। एक बार जिसने आपकी तारीफ़ किया होगा वो इंसान आपको अभी तक याद होगा। हमें तारीफ़ इतना अच्छा क्यों लगता है? दरअसल जब हम तारीफ़ सुनते हैं तो खुद के बारे में जो हमारी सोच होती है वो बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद जो इंसान हमारी तारीफ़ करता है उस अगर वो हमसे कोई काम भी करता है तो हम उसको खुशी खुशी कर देते हैं। तो आप इस ट्रिक को खुद के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप जिनसे भी चाहते हैं कि वो आपका काम कर दे, आप बस एक काम कीजिए, आप उनकी तारीफ़ करें। अगर तारीफ़ जेन्युइन हो यानी कि असली हो तो बहुत अच्छी है। अथॉरिटी की वजह से ही हम बहुत बार धोखे में आ जाते हैं। हम उन लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं जिनके पास अथॉरिटी होता है, यानी कि जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और जिन्हें अपने फील्ड के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। अथॉरिटी वाले जैसे पुलिसमैन, डॉक्टर, एक्टर, टीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो और आपका वो दोस्त जो कि पढ़ने में बिल्कुल तेज़ नहीं है और वो आपके पास आ करके कहता है कि वो चीज़ आपको समझा सकता है? यहाँ पर आपको उस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो समझा सकता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, जैसे कि कोई टीचर का या फिर एक स्मार्ट स्टूडेंट का। क्या आपने नोटिस किया कि आपके साथ कौन कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हो चुके हैं? अगर हुए हैं तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को रिलेटिव्स और दोस्तों में शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ये कभी भी आपको उन क्राइम्स की तरह नहीं लगेगा जिन पर आपको शक होता है या दूर से ही लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। गैस लाइटिंग वर्ड एक गैस पाइपलाइन से जलते हुए लैंप से निकला था। पुराने टाइम में एक आदमी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था। देखिए, साइकोलॉजी में हम इंसानों के बिहेवियर, थॉट और एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है ताकि आप उनके इशारों पर चलें और उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी लाइफ को जिएं। तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपनाएं क्योंकि आप शिकारी को बचने और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं जिससे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद आपको मनचाहे रिजल्ट ना मिल पाए। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने लिए ठीक चीजें करने से पीछे ना हटें। आपको अपने अलावा किसी और को कुछ भी साबित नहीं करना है। अगर क्रिमिनल साइबर वर्ल्ड में मौजूद है जिसने आपके पैसे ठगे हों तो पुलिस और रिलेटेड ऑफिसर्स को हेल्प लेने के लिए इन्वॉल्व करें। इसके अलावा कई ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पर चेहरे की पहचान कर लेती हैं। ये फैक्ट है कि इमोशनल पेन्स लगभग कभी भी ठीक नहीं होते। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो इन पेन पर दूसरे घावों की तरह एक बेकार सी पपड़ी बन सकती है जिससे याद आपके लिए उतनी ही पेनफुल बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था।
जब भी आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आता होगा कि किसी ने कोई क्राइम किया है, लेकिन रियलिटी में इसमें बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें भले ही हम पर्सनली ठीक ना मानते हों, पर वो आमतौर पर सोशली एक्सेप्टेबल हो गई हैं। हम इन डार्क साइकोलॉजी एक्टिविटीज को अपने घरों, स्कूल्स, ऑफिस में और ऑनलाइन देखते हैं। इसकी क्लैरिटी के लिए आइए कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज पर नजर डालते हैं। प्यार एक सचमुच खूबसूरत चीज है। जब आप किसी के साथ रिलेशन में एंटर करते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करेगा और आपकी केयर करेगा। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करके अच्छा और सिक्योर फील करवाएंगे। इस कहानी में रिलेशन की शुरुआत इसी तरह हुई। अपने बेटे की केयर और उसको बड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाली एक सिंगल मदर जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनकी मुलाकात इस हैंडसम लड़की से हुई जिसने खुद को उसी तरह दिखाया जैसा पार्टनर वो चाहती थी। वो काफी हैंडसम और समझदार था और ऐसा लगता था जैसे उस लेडी के बच्चे से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। लड़के के बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट को देखते हुए फैमिली को संभालने के लिए खुद को पूरी तरह से अवेलेबल कराने के लिए उस लेडी ने अपनी जॉब छोड़ दी और खुद अपने बच्चे और उस लड़के की केयर करने में पूरी तरह से लग गई। अपनी फैमिली के लिए लेडी के प्यार का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के ने उसे उसके करीबी लोगों से अलग अपने साथ रहने के लिए कहा। अब उसके पास ना तो फैमिली थी ना ही उसकी जॉब, वो पूरी तरह से उस लड़की पर डिपेंडेंट थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर लड़का उसे आए दिन टॉर्चर करने लगा और ये सब एक प्लान था उस लेडी से उस लड़के के दोस्त के पास्ट का बदला लेने का। लेडी के साथ उसने इतनी केयरफुली बिहेव किया कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ प्यार नहीं किया जा रहा है बल्कि एक खेल खेला जा रहा है। इसे ही कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। और जब उसे पता चला तब तक वो उस लड़के के प्यार में इतनी खो चुकी थी कि अब उसे या तो उसके साथ रहने का या फिर मर जाने का ही ऑप्शन अच्छा लग रहा था। उसे लगने लगा कि वो अब किसी और ऑप्शन के साथ जीने की हकदार नहीं है। अगली स्टोरी है कंट्रोल की। आपने ये न्यूज तो अक्सर सुनी ही होगी कि आश्रम और इसी तरह के किसी बाबा ने खुद को भगवान का दूत या अवतार बताकर लड़कियों के साथ खराब व्यवहार किया या बलि के नाम पर किसी इंसान को मार दिया। दरअसल वो किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए ऐसा करते हैं और डार्क साइकोलॉजी का यूज करके लोगों से ऐसी बातें कहते हैं जिनसे उनके वो काम लोगों की नजरों में ठीक लगे। यहाँ ये दोनों मामले काफी सीरियस हैं, लेकिन लेसन ये है कि ये क्राइम ऐसे नहीं थे जो अचानक से हो गए। इसमें बहुत ही सावधानी से की गई प्लानिंग शामिल थी जिसमें प्लानर ने पहले अपने विक्टिम को तैयार किया और उन्हें अटैक करने से पहले फेथ और सेफ्टी की झूठी कंडीशन में खींच लिया। रियलिटी में जिस तरह से ये इंसिडेंट हुए उससे एक शिकारी और उसके शिकार की याद आती है। सबसे पहले शिकार का पीछा किया जाता है और उस पर नजर रखी जाती है, फिर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के दौरान मिली इन्फॉर्मेशन के बेस पर शिकारी एक चाल चलता है। ये चाल अटैक करने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। जैसे शेर को जाल में फंसाने के लिए जाल में कोई जानवर डाल दिया जाता है जिसे देखकर शेर आए और फंस जाए, इसी तरह उन्हें प्यार और देखभाल का एहसास करवाया जाता है। इसमें शिकारी एक ऐसा नकाब पहनता है और उन क्वालिटीज को दिखाता है जो उसे मिली इन्फॉर्मेशन के बेस पर विक्टिम को पसंद होती हैं। धीरे धीरे भरोसा कायम हो जाता है। अब अगला टारगेट अपने शिकार को शिकारी पर डिपेंडेंट बनाना होता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, इमोशनल डिपेंडेंसी हो या स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी। सबके तरीके अलग होते हैं लेकिन इंटेंशन और रिजल्ट एक ही होता है। धीरे धीरे विक्टिम डिपेंडेंट होने लगता है और उस इंसान या जो चीज उन्हें दी जा रही है उसकी जरूरत महसूस करने लगते हैं, और इसी टाइम शिकारी उस चीज को देने के लालच में विक्टिम को उसके सेफ्टी नेट जहां वो उनके शिकार से बच सकता है उससे अलग करके अपनी मनचाही जगह पर ले आता है जिसके बाद वो अटैक करता है। ये कभी भी आपको उन क्राइम्स की तरह नहीं लगेगा जिन पर आपको शक होता है या दूर से ही लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, बल्कि ये गाने और डांस की तरह लगेगा जिसमें शामिल होने में मजा आता है। लेकिन धीरे धीरे ये बिहेवियर विक्टिम को इनसिक्योर बना देता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाता है। इसमें आपको तब जाकर एहसास होगा जब नुकसान हो रहा होगा या हो चुका होगा। इस पूरी डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए इसे हम बुक डार्क साइकोलॉजी के थ्रू समझेंगे जिसे जेम्स डब्ल्यू विलियम्स ने लिखा है। और याद रहे कि आप इस बुक को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो अपना फायदा उठवाने से बचने के लिए या किसी का फायदा उठाने के लिए, चॉइस आपकी है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के बेसिक्स के बारे में। इमेजिन करें कि आपको एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है जिसको आपके रिलेटिव ने ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी के डेकोरेशन और डिनर बेहतरीन होने की वजह से आप इस बात का जिक्र अपने दोस्त के साथ करने लगते हैं। आप अपने दोस्त से कहते हैं कि क्या शानदार पार्टी थी यार। सामने वाला दोस्त जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा ये एक शानदार पार्टी है? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रिलेटिव्स कितने बुरे हैं? उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं और एक बार बात करने की कोशिश तक नहीं की। आप कहते हैं कि शायद वो बिजी होंगे। फिर आपका दोस्त कहता है कि ये कैसे रिलेटिव है भाई जिनके पास तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। आपका दोस्त इस चीज को इतना हाईलाइट करता है कि आपके मन में एक ख्याल आना शुरू हो जाता है, शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं होंगे और मैं इन लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ, या शायद मेरे रिलेटिव को पैसों का घमंड होगा इसी कारण उन्होंने इग्नोर किया होगा।
आपने देखा कि कैसे एक इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अपने रिलेटिव्स के खिलाफ भड़का सकता है, कैसे इस तरह एक इंसान की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को कंफ्यूज किया जा सकता है और कैसे दिमाग में एक नई बात डाल दी जाती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। गैस लाइटिंग वर्ड एक गैस पाइपलाइन से जलते हुए लैंप से निकला था। पुराने टाइम में एक आदमी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी वाइफ को पागल बनाने के लिए किया था। एक बड़े से घर में एक लेडी अकेली रहा करती थी और उसका हस्बैंड रोज रात को काम पर जाता था। एक रात उसकी वाइफ पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि उसके बेडरूम की रोशनी धीमी हो गई है और ऐसा रोज रात होने लगा। जब वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि शायद कल रात हमारे घर कोई आया था, वो रोशनी धीमी कर देता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन हस्बैंड उसकी बात को समझने की बजाय उसे कंफ्यूज कर देता है। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आजकल तुम फालतू की कहानी बनाने लगी हो जबकि मैं हमेशा रोशनी को बराबर जलते हुए देखता हूँ। इस बात से वो लेडी कंफ्यूज हो गई और धीरे धीरे मानने लगती है कि मेरे घर में कोई आत्मा या चोर आता है। लेकिन ये साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, मगर आखिर में पता चला कि उसका हस्बैंड रोज रात को आता था और चुपके से लाइट धीमी कर देता था ताकि वो वाइफ को कंफ्यूज करके मेंटली डिस्टर्ब कर सके। अब हम डार्क साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। आपने गैस लाइटिंग को समझ लिया है तो अब आप जान पाएंगे कि इसका इस्तेमाल कौन से लोग किस काम के लिए करते हैं और कैसे इस टेक्निक का यूज आप पर किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है और आपको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप गुलामी की जिंदगी जीने से बच जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको दो बुक्स के नाम बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप डार्क साइकोलॉजी को डीपली समझ पाएंगे। देखिए, साइकोलॉजी में हम इंसानों के बिहेवियर, थॉट और एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर इन टेक्निक्स का शिकार बनते हैं जिनको सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कमर्शियल इंटरनेट एड मैनेजर, सेल्फिश फ्रेंड्स और टॉक्सिक लाइफ पार्टनर आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट को पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी से अपना काम करवा सकें या उसे बर्बाद करने पर उतर आएं, बल्कि इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहिए ताकि आपका कीमती वक्त, पैसा और लाइफ बर्बाद ना होने पाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती हैं ताकि आप उनके इशारों पर चलें और उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी लाइफ को जिएं। अब सवाल ये बनता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको फायदा होता रहे। चलिए अब ये समझते हैं कि लोग डार्क साइकोलॉजी या गैस लाइटिंग का यूज एग्जैक्टली क्यों करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कंट्रोल करना। मान लेते हैं कि आपको आपके घर वाले एक बैंक अकाउंट दे देते हैं, लेकिन आपका बड़ा भाई बोलता है कि तुमने एटीएम तो अपने पास रख लिया है, लेकिन क्या तुम अपने पैसे मैनेज कर पाओगे। तुम्हें हर बार पैसे का हिसाब देना होगा, वैसे भी तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे आपका मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपको खुद पर डाउट होने लगेगा, जिससे आप उस रिस्पांसिबिलिटी से भागना चाहेंगे जो आपको दी गई है। आपको लगेगा कि हाँ, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने पास्ट में भी पैसे खो दिए थे, तो शायद इस काम के लिए मेरा बड़ा भाई ही बेहतर है। फिर इसके बाद आपका कंट्रोल आपके भाई के पास चला जाता है। दूसरा रीजन है सेल्फ एस्टीम को डाउन करना। मान लेते हैं कि क्लास टॉपर लड़की के पास एक लड़का आता है और कहता है कि इस क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। फिर वो धीरे धीरे उसके नोट्स लेता है, उसको मूवी टिकट्स भेजकर डिस्टर्ब करने लगता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हटा देता है, जबकि साथ ही साथ खुद टाइम से पढ़ता रहता है। फिर एग्जाम टाइम पर कहता है कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लड़की ने पढ़ाई भी नहीं की और इसके छोड़ जाने से वो वैसे भी दुखी है। ऐसे में लड़का इससे आकर कहता है, इस बार तुम टॉपर नहीं बन पाओगी। इस तरह लड़की की सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है और वो गैसलाइटर लड़की को टॉपर बनने से रोककर उसकी सेल्फ एस्टीम को डाउन करने में कामयाब हो जाता है। तीसरा है पावर डायनेमिक। मेरे दोस्त के रिलेटिव को उसके बारे में एक बात पता चली थी कि वो एक ऐसा लड़का है जिसे पढ़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया। ये जानने के बाद वो टॉक्सिक रिलेटिव बोलने लगते हैं, क्योंकि एक गांव का लड़का है इसलिए इसके लिए इस जगह एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और इसे अगर पढ़ाई करनी ही होती तो ये अपने स्टेट में भी पढ़ सकता है, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। देखिए, इसी तरह रिलेटिव सामने वाले के मोरल को डाउन करते हैं और कंट्रोल अपने पास बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनका बेटा नाम करे और आप पीछे रह जाएं। यानी कि वो पावर डायनेमिक का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है इमोशनल मैनिपुलेशन। इलेक्शन से पहले कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं और पार्टीज अपने कैंपेन में ऐसे कामों का अंजाम देती हैं जिससे पब्लिक को लगता है कि ये गवर्नमेंट देश के लोगों के लिए कुर्बानी दे रही है। इसके लिए गवर्नमेंट पहले कुछ ऐसा करवाती है जिससे पब्लिक में गुस्सा भड़के, जिससे जब भीड़ जमा होती है तो फिर पुलिस से लोगों को मार पड़ती है, मार खाने से खून बहता है और उनको सेफ रखने का लालच देकर पॉलिटिशियन और पब्लिक के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। फिर वो इस बॉन्डिंग का 5 सालों तक इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद मासूम और अनजान लोग करप्ट गवर्नमेंट के सामने विक्टिम बन जाते हैं। फिर गवर्नमेंट कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो उनसे सवाल नहीं पूछती। पांचवा है डिफेंस मैकेनिज्म। मान लेते हैं कि एक बॉस आपको हमेशा कहता है कि आजकल जॉब्स की कमी हो गई है, जॉब्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है,
मार्केट सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, कोई कितना भी कोशिश कर ले इससे बेहतर जॉब नहीं मिल पाएगी। सवाल ये है कि आपके बॉस ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी कंपनी को छोड़कर चले जाएं। वो सेल्फ डाउट क्रिएट करके आपसे कम सैलरी में काम करवाना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी इन पांचों चीजों में से कुछ भी हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब डार्क साइकोलॉजी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इन रीजंस को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि आप गैसलाइटिंग के निशाने पर हैं। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि गैसलाइटर किस तरह आपको शिकार बना सकते हैं। पहले डिसमिसल और डिनाइल। जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मुझसे पूछे बिना तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो वाइफ बोलती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मैं गुलाम की तरह जिंदगी जीऊं? मतलब वाइफ को अकेले घूमना पसंद है, तो वो अपने हस्बैंड की बात को शक का बहाना लगाकर उसकी बात को डिनाई कर रही है। मतलब वो अपने हस्बैंड को विक्टिम बनाना चाहती है। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, आपके दोस्त ने आपसे लोन लिया था लेकिन जब पैसे लौटाने की बात आई तो कहता है, भाई मैंने तुम्हें पैसे लौटा दिए थे, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या? तुम्हें याद नहीं कि मैंने उस टाइम तुम्हारे बैग में पैसे रख दिए थे? यानी कि एक ऐसा इंसान है जो मुंह पर झूठ बोल रहा है। और तीसरा विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन। पावर में रहने वाली गवर्नमेंट गैस लाइटिंग का भरपूर इस्तेमाल करती है। पहले पैसे खिलाकर मीडिया का कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, फिर वो एक कम्युनिटी को टारगेट करती है और उनका इतिहास बताती है, लेकिन इतिहास में आधा झूठ बताती है। जैसे इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, वो लोग जालिम थे, अब हम पावर में हैं, तो हमें इनसे बदला लेना चाहिए। और आपको उस कम्युनिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती क्योंकि गवर्नमेंट आधा सच तो ऐसे दिखाती है जैसे रियलिटी यही है और उसका दूसरा पहलू नहीं दिखता। अब सवाल ये निकल कर आता है कि हम और आप जैसे लोगों को इनसे बचने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए। इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि गैस लाइटिंग का शिकार होने के बाद आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप गैस लाइटिंग या डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो रहे हैं। नंबर वन, अगर आपको अपने एक्शंस, काम और वे ऑफ थिंकिंग पर सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाए और आप सोचने लगे कि अब तक मैंने जो काम किया क्या वो वैलिड थे, क्या मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ, क्या मैं निकम्मा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं था। नंबर दो, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए और उसका जिम्मेदार आपको बताया जाए, जैसे किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके ड्रेस और नेचर पर कीचड़ उछाला जाता है। नंबर तीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी और आपको सपोर्टिव लोगों से अलग कर दिया जाएगा। एक टाइम पर ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप पागल हो जाएंगे, आपकी मेंटल कैपेसिटी वीक होने लगेगी। आज के जमाने में गैस लाइटिंग का यूज सोसाइटी, पॉलिटिशियन और ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं और हम और आप इन तीनों के बीच रहते हैं। मतलब ये है कि आपके साथ ये टेक्टिक आजमाई गई होगी लेकिन आपको उसकी खबर नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इससे जुड़ी अपनी स्टोरी कमेंट में मेंशन करें ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। और अगर नहीं हुआ है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हो जाए, तो ऐसे वक्त में आपको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने 5 स्टेप्स बताए हैं। पहले मान लेते हैं कि आप इंडिया का क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बॉल पर 6 रन की जरूरत है, लेकिन विराट कोहली उस बॉल पर आउट हो जाते हैं तो आपके अंदर से आवाज आती है, काश मैं ग्राउंड पर होता तो मैं इंडिया को हारने नहीं देता। यानी उस वक्त आपके मन में इतना विश्वास पैदा हो जाता है कि आप खुद को विराट से बेहतर मानने की बात करने लगते हैं। यानी कि आपके अंदर की इनर पावर होती है जिस पर आपका विश्वास बना रहता है। इसलिए जब गैस लाइटर आपको शिकार बनाने की कोशिश करे तो आपको इनर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जमीर से पूछे कि क्या मैं सही बात कह रहा हूँ, और अपने अंदर की आवाज के रिस्पांस को सुनकर सामने वाली आवाज को शांत कर दीजिए। अपने अंदर की आवाज या इनर सेल्फ पर भरोसा करें। कई बार झूठ इतनी बारीकी से गढ़ा जाता है कि वो सच लगने लगता है, लेकिन अंदर से एक लेवल पर क्या होना चाहिए, क्या है और आपके सामने क्या ऑफर किया जा रहा है, आप इनके बीच चल रहे इम्बैलेंस को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि सच्चाई को दिखाने के लिए कोई फिजिकल सिग्नल ना हो कि अरे कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपको एहसास जरूर हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे टाइम में उन इमोशंस को रिजेक्ट करना और जो आपको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना आसान लगता है। हो सकता है कि आप अंदर से आवाज सुनकर कुछ अलग करना ना चाहें, क्या इस डर से कहीं लोग आपको किसी गलत नजरिए से ना देखने लग जाएं? आप हार मान लेते हैं और उस अंदर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ठीक कह रही थी। अपनी आवाज पर भरोसा करने के लिए टाइम के साथ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप छोटी और आसान चीजों पर खुद को ट्रेन करके इसकी शुरुआत करें। जैसे सुबह आप घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हों, सीढ़ियों से नीचे उतरने पर आपको अंदर से लगे कि यार मैं कुछ भूल गया हूँ, तो घर में जाकर एक बार देख लें। अचानक आपने बस किसी के बारे में सोचा हो और उसे कॉल करने की जरूरत महसूस हुई हो तो उसे कॉल कर लें। हालांकि एग्जांपल छोटे हैं और इनसे कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके इनर सेल्फ में विश्वास पैदा करते हैं ताकि जब सच में इस आवाज के डायरेक्शन की जरूरत हो तो आप बेहतर ढंग से समझ सके कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है और उस पर काम करना शुरू करें। अगर आप पहले से ही किसी ऐसी कंडीशन में हैं और आपके पास अपनी आवाज पर भरोसा मजबूत करने के लिए खुद को ट्रेन करने का टाइम नहीं है तो उम्मीद ना खोएं। ध्यान रखें, माँ की तरह आपकी इनर वॉइस हमेशा आपका भला चाहती है और जब तक आप जिंदा हैं आपके पास ये एक ऐसी गाइडेंस है जो आपको खुश और सिक्योर रहने में हेल्प करना चाहती है।
ऐसे में बस ये समझने की कोशिश करें कि आपसे क्या कहना चाह रही है। ऐसी कंडीशन में यही सवाल पूछें और शुरुआत अपने आप से करें। ये जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। अपनी प्रेजेंट कंडीशन को देखें, पता लगाएं कि आप अब जिस तरह से फील करते हैं उससे खुश क्यों नहीं है। अपने आप से पूछें कि आप ऐसा फील क्यों करते हैं और देखें कि क्या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। जब हम खोया हुआ महसूस करते हैं तो फीलिंग एक गाइडेंस की तरह काम करती है। जब आप अपने मनचाहे जवाब खुशी खुशी पाने की कंडीशन में नहीं होते तो ऐसे में अपने बाहर देखें। अपने आप से बाहर देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस इंसान के सामने खुद को जाहिर कर देना चाहिए जो आपके साथ डार्क साइकोलॉजी का खेल खेल रहा है। तुरंत अपने बचाव का सीधा रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आप शिकारी को बचने और दूसरी चाल चलने का मौका दे सकते हैं जिससे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं होगा और शायद आपका मनचाहे रिजल्ट ना मिल पाए। इसके बजाय उन लोगों से जुड़ें जिन पर आप भरोसा करते हैं। ये जानने के बाद कि आप अभी ऐसी सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लोग आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अचानक ये डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है कि किस पर भरोसा किया जाए। ऐसे में किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिसका इस मैटर से बहुत कम या कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो डायरेक्टली आपसे या इससे शामिल लोगों से जुड़ा नहीं है। इन लोगों के आपके साथ ईमानदार होने और ईमानदारी से सही राय देने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जब आप सवाल पूछते हैं तो अगली जरूरी बात जवाब सुनना है। ये कुछ हद तक थोड़ा पागलपन सा लग सकता है। आपको अपने आप से जवाब मिलने कैसे शुरू हो जाएंगे? रियलिटी ये है कि हमारा सेल्फ डिसेप्शन हमें मिलने वाले जवाब के बारे में सिलेक्टिव बना देता है। हम अपने आप से कहते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ उन जवाबों पर ध्यान दे रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बजाय उन पर जो हमें सच में मिल रहे हैं। रियल लिसनिंग के लिए कुछ अलगाव या डिटैचमेंट की फीलिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए आपको रियलिटी से नहीं बल्कि खुद को अपनी फीलिंग से अलग करने की जरूरत है। फीलिंग से आपका डिटैचमेंट आपको अगले स्टेप की तरफ ले जाएगा, जिससे नई इन्फॉर्मेशन को फैक्ट के साथ प्रोसेस करके समझना आसान हो जाएगा। जैसे अचानक से एक दिन आपको पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इतने टाइम से आपको चीट कर रही थी, तो ऐसे में इमोशनल होकर हताश ना हो बल्कि फैक्ट के साथ देखें कि क्या उसने सच में ऐसा किया भी है या आपको सिर्फ गलतफहमी हो रही है। अगर किया है तो फैक्ट डिसाइड करें कि आपको उसके साथ रहना है या नहीं। साथ रहते हैं तो क्या फायदे और नुकसान हैं? छोड़कर अकेले रहते हैं और किसी लॉयल लड़की का वेट करते हैं तो क्या सिचुएशन आएंगी और आप इन्हें मैनेज कैसे करेंगे? इनकी प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। इलॉजिकली काम करने से सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सभी फीलिंग्स को भले और सरफेस पर लाकर खराब फीलिंग को बाहर निकालने को बहुत कठिन बना देता है। जब सच्चाई का सामना होता है तो आपका इलॉजिकल हिस्सा ये चाहता है कि आप सब कुछ बर्बाद कर दें। आपका गुस्सा आपको ऐसे कदम उठाने के लिए मोटिवेट कर सकता है जो शॉर्ट टर्म में आपकी फीलिंग को शांत करने में हेल्प करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उन पर पछतावा हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम उन फीलिंग के बेस पर काम ना करें, पहले सिचुएशन से डील करें, बाद में अपनी फीलिंग से। दूसरा, कंफ्यूजन में ऐसे लोगों से हेल्प लीजिए जिन्होंने पास्ट में आपका साथ दिया है, जिनकी सच्चाई, समझदारी और इंटेलिजेंस की मिसाल दी जाती है। अगर ऐसे लोग साथ नहीं है या नहीं मिलते हैं तो किसी बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना शुरू कर दें। बस याद रखें, किसी ऐसे इंसान के पास जाना बेहतर है जिसने कई बार साबित किया है कि वो आपका भला चाहता है। जब आपके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो बिना वजह कोई मुश्किल खड़ी करने की कोशिश ना करें। लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने लिए ठीक चीजें करने से पीछे ना हटें। आपको अपने अलावा किसी और को कुछ भी साबित नहीं करना है। दुनिया वही सोच सकती है जो वो सोचना चाहती है। अभी आपकी प्रायोरिटी उस सिचुएशन से बाहर आना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होना चाहिए। अगर आप खुद की सिचुएशन को संभाल सकते हैं तो हर हाल में संभालें। बस ये ध्यान रखें कि आप जो भी डिसीजन लें उसका गोल आपको उस जाल से बाहर निकालना है, ना कि दूसरे लोगों को अच्छा फील करवाना। जब आपके पास जरूरी हेल्प मौजूद हो तो अगला स्टेप मैनिपुलेटर का सामना करना है। मेरा सजेशन है कि आप इसके लिए जगह खुद से चुने। कोई ऐसी जगह चुने जिसके बारे में आप जानते हैं कि आपको बढ़त होगी। इसके लिए सावधानी से उसे पकड़ने के लिए अपनी तरफ से कुछ प्लान बनाएं। अगर क्रिमिनल साइबर वर्ल्ड में मौजूद है जिसने आपके पैसे ठगे हों, तो पुलिस और रिलेटेड ऑफिसर्स को हेल्प लेने के लिए इन्वॉल्व करें। इसके अलावा कई ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स पर चेहरे की पहचान कर लेती हैं, तो इनका यूज करके उसकी आइडेंटिटी को सामने लाने की कोशिश करें। आपकी उसके साथ की गई बातचीत में उसकी असली पहचान के सुराग ढूंढें और जब आपके पास इनफ सबूत हो तभी उनका सामना करें। बेशक ऑफिसर्स के साथ होने के बाद फाइनली आप उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर आपने पूरे सबूत और उसकी आइडेंटिटी की पहचान से पहले ऐसा करने की कोशिश की तो उसे भनक लग सकती है और उसे पकड़ने में ज्यादा टाइम लग सकता है। जब कोई ऐसा इंसान डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आपका फायदा उठा रहा हो जो आपके करीब रहता है, तो चीजें अलग ढंग से करें। अगर आपको किसी भी तरह से आपकी जान का खतरा है तो अकेले उस इंसान का मुकाबला ना करें। ऐसे रिलेशंस में
अकेले कोई बहस करने से पूरी तरह से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको इससे मिलना ही हो तो ये पक्का करें कि आप अकेले मिलने ना जाएं। उन लोगों को इन्फॉर्म कर दें जो आपकी केयर करते हैं, और मिलने के दौरान कम से कम एक इंसान आपके साथ मौजूद हो, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी पहली जरूरत है। मैनिपुलेटर का सामना करके और इससे बचने के लिए जरूरी कदम उठाने के बाद तुरंत कुछ ऐसा करना शुरू कर दें जिससे वो आपको फिर कभी मैनिपुलेट ना कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी ज्यादा चोट पहुंचाई गई, छेड़छाड़ की गई या आपके साथ मिसबिहेव किया गया। उसे पकड़कर ना बैठे रहें, बल्कि इससे आगे बढ़े और उस धोखे से मिले अपने घाव को ठीक करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दें। ये फैक्ट है कि इमोशनल पेन्स लगभग कभी भी ठीक नहीं होते। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो इन पेन पर दूसरे घावों की तरह एक बेकार सी पपड़ी बन सकती है, जिससे याद आपके लिए उतनी ही पेनफुल बन जाएगी जितनी तब थी जब सच में आपके साथ ऐसा हो रहा था। इसलिए किसी कंसल्टेंट से बात करें, थेरेपी के लिए जाएं, और जो भी आप अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं वो करें। हालांकि ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन लगातार इस तरह कदम उठाने से आप हर दिन अपने आप को पुराने दर्दों से आजाद करते रहेंगे और खुद को ऐसी पोजीशन में लाएंगे जिससे अब फिर से आपके साथ वैसा धोखा ना किया जा सके। तीसरा तरीका, अक्सर बेहतर लोग स्ट्रगल का सामना करने के बाद महान बनते हैं और स्ट्रगल से निकालने के रास्तों को किताबों में महफूज किया गया है, तो ऐसे टाइम में आप किताबों से हेल्प लीजिए। चौथा, ऐसे टाइम में एक हफ्ता, महीना या साल भर का ब्रेक लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। जब आप सिस्टम या मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे तो दुनिया को बाहर की नजर से देख पाएंगे, या आपको पता चल जाएगा कि कैसे और किस तरह लोग अपनी ईगो को खुश करने और बेनिफिट्स के लिए मैनिपुलेशन करते हैं। और आखिर में पांचवा, उन सब की एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, उनका नाम मेंशन करें जिनके एक्शन से गैस लाइटिंग का पता चला है, फिर चाहे वो कोई भी हो उनसे दूरी बना लीजिए। और इस दौरान खुद को डार्क साइकोलॉजी के बारे में एजुकेट करना सबसे बेहतर तरीका होगा, ताकि आपके पास इतनी नॉलेज हो जाए कि आप दुनिया के सामने विक्टिम की तरह पेश ना हो सके। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो नॉलेज आपका साथ देती है और फिर वही आपका सीधा रास्ता बताती है, और अगर नॉलेज ना हो तो आप गुमराह हो सकते हैं। तो दो बुक्स और हैं जो आपको डार्क साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगी, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन बाय रॉबर्ट सियालदिनी। 48 लॉज ऑफ पावर की बुक समरी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इन्फ्लुएंस की समरी भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, तो ये थी डार्क साइकोलॉजी की बुक समरी। आई होप इस वीडियो से आपको साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और गैसलाइटिंग को भी आपने डिटेल में समझा होगा। आई जस्ट विश आप इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी गैसलाइटिंग का शिकार होने से बच सकें। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर ऐसी कोई बुक है जिसकी बुक समरी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।